वर्षों से लोगों के अदालत में उलझे मामले और तमाम विभागों के लेन देन संबंधी समस्याओं का निपटारा करने के लिए शासन के द्वारा 8 सितंबर को लोक अदालत का आयोजन किया गया, लेकिन बालाघाट में लगाई गई लोक अदालत का जिला अधिवक्ता संघ ने खुलकर विरोध किया। वकीलों की मांग है कि उनके संघ के लिए भवन बनाने हेतु दी गई जमीन का भूमि पूजन कर भवन का निर्माण नहीं किया गया है। आप लोग हड़ताल में बैठे हैं, क्या मांगे हैं? हमारी जिला अधिवक्ता संघ बालाघाट की मांग है, वो विगत 8 वर्ष में हुई। जिला अधिवक्ता संघ बालाघाट के द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर में रिट फाइल की गई थी, जिसमें नवीन न्यायालय भवन की 9 एकड़ सत्याचल जितनी भूमि प्राप्त हुई है विधायक कलेक्टर कार्यालय के बाजू में, लेकिन आज दिनांक तक उस भूमि का भूमि पूजन नहीं हो पाया, जिससे जिला अधिवक्ता संघ बालाघाट के सभी अधिवक्ताओं रोष हुआ। जहाँ अधिवक्ताओं के बैठने के लिए व्यवस्था तक नहीं है, हमारे अधिवक्ता तितर बितर इधर उधर बैठे रहते, कहीं 100 कहीं 50 इधर उधर के पीछे खोल दिया। शहर के अंदर है, फोरम कहीं अलग है, जिससे अधिवक्ताओं को इधर उधर जाने में काफ़ी परेशानी होती है। सिविल कोर्ट का कार्य सफर करता है हमारे। मतलब आप लोग की एक मांग है कि पूरे जितने भी न्यायालय हैं, सब न्यायालय हैं, सभी न्यायालय एक ही स्थान पर वहाँ पे चले जाएँ। और हमारे पहली मांग तो है कि जो जमीन प्राप्त हुई हमारे उनका भूमि पूजन पहले, नहीं तो आने वाली सभी लोक अदालत का जिला अधिवक्ता संघ बालाघाट के द्वारा विरोध। ठीक है, आज लोक अदालत आज है, उसका भी पूरा विरोध है? मतलब पूरा विरोध है, ना किसी कंपनी के अधिवक्ता वहाँ पे उपस्थित होंगे, ना खंडपीठ में बैठने वाले अधिवक्ता उपस्थित होंगे, न्यायालय में कोई भी अधिवक्ता रजिस्टर्ड मुंशी वहाँ पे न्यायालय में उपस्थित नहीं है।